हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने थायफिन की केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट कर ली हैं, और केमिकल रिएक्शंस के बाद जो थायफिन का लास्ट टॉपिक बचता है, एरोमेटिसिटी एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ से एरोमेटिसिटी है और मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो तो जस्ट सिमिलर होती है फ्यूरेन के और पिरोल के, लेकिन थायफिन की एरोमेटिसिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और ये हमें पता चलता है इसकी रिजोनेटिंग एनर्जी से भी, क्योंकि थायफिन है वो मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होता है। यदि हम बात करें बेंजीन की, पिरिडीन की, और पिरोल और फ्यूरेन, सारे के सारे जो हम कंपाउंड्स लेते हैं, इनमें सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी किसकी होती है? थायफिन की होती है। तो ये ज्यादा एरोमेटिसिटी है, ये किन रीजंस की वजह से होती है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए, बाकी के जो सारे कंपाउंड्स हैं वो एक ही टाइप के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देते हैं। किसकी वजह से देते हैं? यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड ऑर्बिटल होता है उसकी वजह से सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे अपना फ्यूरोन हो गया या फिर अपना पिरोल हो गया, वो सारे क्या करते हैं, इन्हीं की वजह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। लेकिन थायफिन में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है। यहाँ पे क्या होता है कि थायफिन में जो हेट्रो एटम होता है वो अपना सल्फर होता है, और सल्फर हेट्रो एटम होने की वजह से सल्फर में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और इन्हीं वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स में जब रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते हैं तो यहाँ से कुछ अदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनती हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं बाकी के जो सारे कंपाउंड्स हैं उनसे ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये थायफिन फॉर्म करता है, और यही रीजन होता है कि थायफिन है वो मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले देखिए, एरोमेटिसिटी के वे में यदि हम बात करें तो रिजोनेटिंग एनर्जी है वो कितनी होती है थायफिन की? 117 किलो जूल पर मोल होती है। जहां हम बात करते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन की रिजोनेटिंग एनर्जी कितनी होती है? ओनली 49 किलो जूल पर मोल होती है, जो कि बहुत ही कम होती है इन कंपेयर टू थायफिन। तो यहाँ से आइडिया लग सकता है कि थायफिन है इसकी एरोमेटिसिटी है वो कितनी ज्यादा होती है। और ये एरोमेटिसिटी ज्यादा होती क्यों है? तो सबसे पहली चीज तो थायफिन है वो प्लेनर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हकल के रूल को फॉलो कर रहा है। तो दैट मीन्स ये कौन सा होने वाला है? एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो थायफिन है वो दो टाइप की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करता है। हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू पीजेड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और थर्ड पॉइंट में लिखा है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर एटम। यहाँ पे दो टाइप की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म होती हैं। तो पहले वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो जस्ट सिमिलर हैं फ्यूरेन के और फ्यूरेन के और पिरोल के। तो पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे होता क्या है, जो हेट्रो एटम है उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंट या फिर हम बोल सकते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड ऑर्बिटल्स में डिलोकलाइजेशन करता है, जिसकी वजह से रिंग के हर एक कार्बन पे, हर एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अलग अलग कार्बन पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है। यानी कि रिंग है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करती है, रिंग में निगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है, और सल्फर पे या फिर हम बोल सकते हैं हेट्रो एटम पे हर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और ओवरऑल जो अपना रिजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, रिंग में तो हम क्या शो करते हैं, निगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन शो करते हैं, सल्फर एटम पे पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन शो करते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सल्फर एटम की वजह से जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं वो जस्ट यहाँ से अपोजिट होती हैं। उनमें क्या होने वाला है कि जो अपना हेट्रो एटम है सल्फर, उस पर तो होता है निगेटिव चार्ज, और जो रिंग होती है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइज करते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका भी डिलोकलाइजेशन होता है। दोनों टाइप से डिलोकलाइजेशन है वो चलता रहता है। अब देखिए, हम यदि बात करते हैं पिरोल की, तो पिरोल में हेट्रो एटम है वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। फ्यूरेन में कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। और जो नाइट्रोजन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3 होता है। वहीं ऑक्सीजन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p4 होता है। तो यहाँ पे 2p के बाद कोई 2d ऑर्बिटल नहीं आते ना, 2p के बाद कोई 2d ऑर्बिटल नहीं आते, इसकी वजह से यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते, अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी वजह से ये एक ही टाइप की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। और वो वाले तो यहाँ पे सल्फर भी शो करता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं थायफिन की, तो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
और 3p4 के बाद में क्या आता है, 3d वैकेंट ऑर्बिटल आता है। और इन्हीं 3d वैकेंट ऑर्बिटल्स में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से थायफिन है वो कुछ एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करता है। तो वो किस तरह से करेगा, देखिए हमने क्या किया था, अभी हम लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन करा रहे थे अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड ऑर्बिटल्स में, लेकिन इस बार क्या करना है कि हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन कराना है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में। तो यहां से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे आएंगे, सल्फर के पास आएंगे, और सल्फर है वो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है, ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड्स फॉर्म करता है, लेकिन सल्फर है वो 4 और 6 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास 3d वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी वजह से कर सकता है। अब देखिए यहां से ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आते हैं सल्फर के साथ और आके बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। सल्फर के पास इसके दोनों बॉन्ड्स पहले वाले भी प्रेजेंट हैं, साथ ही इनके दोनों लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हैं, और एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड यदि यहाँ पे आता है तो सल्फर पे चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि सल्फर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है, तो सल्फर पे आएगा निगेटिव चार्ज। अब यहां से यदि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो इस वाले कार्बन के साथ, सल्फर का जो एडजेंट कार्बन है उसके साथ तो पहले भी पाई बॉन्ड था और अभी भी पाई बॉन्ड है, लेकिन यहां से ये जो कार्बन नंबर थर्ड होता है अपना, सल्फर से यदि हम नंबरिंग शुरू करें तो कार्बन नंबर थर्ड होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है और यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए यहां से ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जैसे ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे तो एक नई पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्रिएट हो जाता है। अगेन क्या होगा, यहाँ से जो हमने पाई बॉन्ड नया फॉर्म किया था वो आके इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा, और जैसे ये वाला पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई होता है तो एक नया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से जनरेट हो जाता है। इसी तरह से अगेन देखिए, अभी इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे भी आ गया और इस पे भी आ गया, सिर्फ ये कार्बन बचता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। तो यहां से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड होगा लेकिन एक नया पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से जनरेट हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट में क्या हो सकता है कि यदि हम फिर से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डिलोकलाइज कर दें तो पॉजिटिव चार्ज है वो सेटिस्फाई हो जाता है, सल्फर का निगेटिव चार्ज है वो भी ओवरकम हो जाता है, यानी कि अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो लास्ट में हम रिजोनेंस हाइब्रिड की जब फॉर्मेशन करेंगे तो यहां से दिखाना क्या है कि जो अपनी रिंग है उसमें तो सारे के सारे कार्बन हैं, उन पे क्या डिलोकलाइज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और सल्फर एटम पे नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो थायफिन की मोस्ट रिजोनेटिंग एनर्जी होती है वो किस रीजन की वजह से होती है, वो होती है इस एक्स्ट्रा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से। तो यही रीजन होता है कि थायफिन है वो अपना मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है अपना वो आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो अपना कंपाउंड है वो प्लेनर होता है, और प्लेनर कंपाउंड है सारे के सारे एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो किस तरह से इसकी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सिंपल सा ड्रॉ कर देना है सारे के सारे एटम्स को, और इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं इसके pz एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को। सभी कार्बन्स पे एक एक pz एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। क्या सारे के सारे क्या है, pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब इसके बाद सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड होता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सभी pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में कार्बन वाले में एक एक यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होता है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां से मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। और यहां से कुछ इस तरह से पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब यदि ऊपर वाली लोब्स में ओवरलैपिंग हो रही है तो नीचे वाली लोब्स में भी ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे इस तरह का यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, मैंने हर बार बताया है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे होती है, रिंग में ऊपर की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पे रिंग में ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, रिंग में नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, सल्फर एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए यहाँ से ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सल्फर की तरफ आते हैं और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा कहाँ पे होती है, सल्फर पे होती है, और यही रीजन होता है कि टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थायफिन है वो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर जब हमने देखा था तो थायफिन है वो लेस रिएक्टिव होता है, देन पिरोल होता है, देन फ्यूरेन होता है। तो इसकी लेस रिएक्टिविटी का रीजन क्या होता है, क्योंकि रिंग में निगेटिव चार्ज ही नहीं है, रिंग अपनी न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सल्फर एटम पे होती है, इसी की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है। एरोमेटिसिटी हमने इसकी देख ली, रिएक्टिविटी हमने इसकी देख ली। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एमओ स्ट्रक्चर ऑफ थायफेन, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, तो इसी के साथ 500 हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं अपने, पिरोल, थायफिन और फ्यूरेन, तीनों के तीनों कंप्लीट होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं बचता। इतना यदि कवर कर लेते हो तो एग्जाम में क्वेश्चंस है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा बचता है 6 हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड पीरिडीन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।